महाको यानसन मेरे लिए पिक ऑफ द बॉलर्स ही, मेरे लिए अभी तक के इस विश्व कप के सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मर। और स्टैंड आउट परफॉर्मर सिर्फ आंकड़ों के नज़रिए से नहीं, इम्पैक्ट के नज़रिए से। नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं तो विकेट चटकाते हैं, नीचे नंबर 7 पे बल्लेबाजी करने उतरे तो इम्पैक्टफुल पारियां खेली, ब्रिलियंट फील्डर हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका को कोई चीज़ डेंजरस बनाती है तो उनके सिर्फ 6 बल्लेबाज नहीं या फिर 3 गेंदबाज नहीं, माको यानसन जो उनको बहुत ज़्यादा एक बैलेंस देते हैं और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। क्योंकि कितने इस विश्व कप में ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे लेफ्ट आर्म 140 की गति से गेंदबाजी करें और 7 नंबर पे बल्लेबाजी करके वो इम्पैक्टफुल शॉट्स या इम्पैक्टफुल पारी खेल सके। तो माको यानसन मेरे लिए सिर्फ गेंदबाजी से नहीं पर बल्लेबाजी में भी सतर्क रहना पड़ेगा भारतीय गेंदबाजों को।